एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अश्मिता आर्ट्स। तो आज है 20 अगस्त। रुको जरा, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इसकी मैंने आपसे बात की थी कि आपके लिए आज के दिन एक Q&A वीडियो आ रही होगी, तो ये वही वाली वीडियो है और जिसके लिए मैंने आपसे वोटिंग भी करवाई थी, लाइव सेशन रखना चाहिए या फिर रिकॉर्डिंग सेशन। तो लाइव के लिए 3 लाइक्स और 2 वोट्स आए थे और रिकॉर्डिंग के लिए इससे काफी ज्यादा लाइक्स और वोट्स आए थे, तो इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग सेशन को ज्यादा प्रेफर रखा। और थोड़ा सा मेरे साथ भी यहाँ के एरिया थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहता है, इसलिए मैंने सोचा कि रिकॉर्डेड ही अभी प्रेफर किया जाए। बाद में कुछ टाइम बाद जब ये इशू सॉल्व हो जाएगा तो हम लाइव सेशन भी डेफिनेटली, बट स्टिल आई ट्राई टू अपलोड दिस वीडियो एज अ प्रीमियर, यू कैन टेक अ लिटिल बिट फील ऑफ लाइव सेशन। सो इसमें जो लाइव चैट चल रही होगी प्रीमियर के टाइम पर, उस टाइम पर भी मैं कमेंट सेक्शन में मौजूद रहूंगी, आप लोगों के साथ चैट भी करूंगी। तो आपका कोई भी अगर क्वेश्चन रह गया हो जो इस वीडियो में कवर ना हो पाया हो तो उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और एंजॉय करते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये है मेरा फर्स्ट Q&A सेशन मेरे बर्थडे पर, और जिसके अनाउंसमेंट मैंने आपसे काफी पहले कर दी थी, और आपने अपने कुछ क्वेश्चंस उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिखे हैं जैसा कि मैंने आपसे कहा था। तो चलिए आपके क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द थिंग्स दैट वी नीड टू बिकम अ सक्सेसफुल आर्टिस्ट? ये क्वेश्चन पूछा है करण राज ने। तो इन्होंने काफी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, काफी सारे क्या, सारे ही क्वेश्चंस इन्हीं के हैं, एक आध दो हैं जो कि किसी और के हैं, के क्वेश्चन का आंसर मैं देना चाहती हूँ। तो सक्सेसफुल आर्टिस्ट बनने के लिए मैं आपको कुछ प्रो टिप्स परफेक्टली तो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन हाँ जितना मुझे आता है उतना मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। फर्स्टली इसके लिए यार, पहले तो आपकी ड्रॉइंग अच्छी होनी चाहिए, और अगर नहीं भी अच्छी है, अच्छी से मतलब ये नहीं कि एकदम परफेक्ट बनना चाहिए, आपकी ड्रॉइंग मीडियम या फिर लो लेवल पर अच्छी होनी चाहिए, और बाकी तो यार प्रैक्टिस करते करते अच्छी हो जाती है। स्टार्टिंग में कोई परफेक्ट नहीं होता, मैं भी नहीं हूँ, सब चीजें यार प्रैक्टिस से ही होती हैं, प्रैक्टिस करते जाओ आपकी ड्राइंग काफी अच्छी होती जाएगी। और यार मेरे हिसाब से तो सक्सेसफुल आर्टिस्ट की डेफिनेशन ना सबके माइंड में अलग अलग होती है। जैसे किसी लोगों के लिए अगर अपना उन्होंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तो उसको सब्सक्राइबर्स काफी होने चाहिए, किसी के लिए उनके कमीशन वर्क जो उन्हें मिलते रहते हैं रेगुलर वो नीडेड होते हैं, तो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है। उसके लिए भी मैं यही कहूंगी कि आपकी ड्रॉइंग पहले अच्छी होनी चाहिए, तभी आपको कमीशन वर्क मिलेंगे, तभी आपके यूट्यूब पर भी सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होंगे। एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कीप पेशेंस, कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि यार ये जो आर्ट चीज है ना, ये जो आर्ट वाला फील्ड है, इसमें सब्सक्राइबर्स इतनी जल्दी नहीं बढ़ते हैं, ये चीज मैंने भी पर्सनली नोटिस की है, और भी काफी सारे आर्टिस्ट हैं यूट्यूब पर, उनके भी आप देख सकते हैं। एंड में तो मैं यही कहना चाहूंगी कि डेफिनेटली वन डे यू विल बिकम अ ग्रेट एंड सक्सेसफुल आर्टिस्ट। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि वो भी करण राज ने ही पूछा है। उनका सेकंड क्वेश्चन ये है, एनीवे इफ आई एम मेकिंग अ पोर्ट्रेट देन आई एम फेसिंग डिफिकल्टीज इन मेकिंग पोस्चर, सो यू कैन सजेस्ट सम बेस्ट वे टू ओवरकम दीज डिफिकल्टीज। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि ये पोर्ट्रेट का पोस्चर बनाने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है, तो डिफिकल्टीज तो यार डेफिनेटली सबको स्टार्टिंग में होती है, लेकिन अगर मेथड की बात की जाए तो मैं आपको 2 मेथड्स हैं जो कि सजेस्ट करना चाहूंगी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो जो फर्स्ट मेथड है वो है फ्री हैंड स्केचिंग। फ्री हैंड स्केचिंग का मतलब ये होता है कि आप डायरेक्टली अपने हाथ से ड्रॉ कर सको, और उसके लिए आपको किसी भी स्केल वगैरह की नीड ना हो। जैसे जो बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं, बड़े बड़े तो नहीं मतलब जो छोटे भी होते हैं जिनमें काफी प्रैक्टिस कर रखी होती है, वो लोग डायरेक्ट अपनी पेंसिल वगैरह से ही मेजर कर लेते हैं। जैसे मैं जब आउटलाइन करती हूँ तो मैं डायरेक्ट पेंसिल या फिर कोई भी चीज विदाउट स्केल जो भी आसपास पड़ा हो उसी से मेजर कर लेते हैं। वैसे मतलब अगर आप स्केचिंग करने बैठोगे तो 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ऐसे मेजर करोगे ना, तो आपका स्केच कभी परफेक्ट नहीं बनेगा, परफेक्ट तो नहीं अच्छा भी नहीं बनेगा, काफी ज्यादा टाइम भी लग जाता है उसे आउटलाइन करने में। और सबसे मेन बात इस वाली स्केचिंग में ना, आपके हाथ में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जो कि आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। डायरेक्ट बिना किसी मेजरमेंट के ग्रेड के आप जो स्केचिंग करते हो ना, वो परफेक्टनेस से ही आती है, जब आप काफी सारे स्केचेस ड्रॉ करते हो। सो द सेकंड वन मेथड इज कि ग्रेड सिस्टम। ग्रेड सिस्टम जो होता है ना, उसमें क्रॉस लाइंस होती हैं, जो कि मैथ्स की कॉपी देखी आपने बच्चों की, जिसमें कि जो लाइंस बनी रहती है क्रॉस लाइंस, उन्हें ग्रेड सिस्टम कहा जाता है। जैसे स्टार्टिंग में बच्चे स्केच करते हैं ना, वो ग्रेड से ही करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यार सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है। ग्रेड की बात की जाए तो उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर डेफिनेटली जल्दी आ जाएगी, आप उसे देखकर भी कर सकते हो कि ग्रेड कैसे की जाती है। और ग्रेड की बात की जाए ना, तो यार ग्रेड सिस्टम से आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो कि आपको जो पोर्ट्रेट बनाना है उस पोर्ट्रेट को आप प्रिंट आउट करवा लो उसी साइज के पेज पर जितने पर आप ड्रॉ करने वाले हो, उसके बाद उस पर ग्रेड ड्रॉ कर लो, और सेम ग्रेड अपने ड्रॉइंग कॉपी पर भी कर लो, और फिर उसे देखकर ड्रॉ करो। तो ये सेकंड मेथड है। तो यार सबकी अपनी अपनी चॉइसेस
होती है मेरे अकॉर्डिंग। तो जैसे मैं अगर मेरे पास कोई कमीशन वर्क आता है तो उसके लिए मैं ग्रेड सिस्टम यूज करती हूँ, क्योंकि ग्रेड सिस्टम से ना जहां तक 99% चीज जो होती है वो करेक्ट बन जाती है, लेकिन फ्री हैंड स्केचिंग में थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन आपको मिल सकता है। और बाकी अगर मैं यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ तो उसके लिए मैं फ्री हैंड स्केचिंग यूज करती हूँ। तो अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। अगेन ये भी करण आज ने पूछा है, एंड द थर्ड क्वेरी इज दैट हाउ आई कैन अप्लाई वॉट अगर ऑयल पेस्टल इन माई ड्रॉइंग सो इट कैन लुक्स बेटर। अगर ऑयल पेस्टल्स की बात की जाए तो ऑयल पेस्टल्स में मैं एक लड़की को जानती हूँ यूट्यूब पर जो कि ऑयल पेस्टल्स की काफी सारी वीडियो डाल चुकी है, उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ कहीं मिल जाएगी, मैं जरा ऐड कर दूंगी। रुको जरा, सबर करो। तो ऑयल पेस्टल की वीडियो के लिए तो मैं आपको सिर्फ एक ही चैनल सजेस्ट करना चाहूंगी, जिस चैनल का नाम है अश्मिता आर्ट्स। उन्हीं की वीडियोस आपको प्रेफर करूंगी, काफी अच्छे कमेंट्स आते हैं उसके ऊपर और लोग कहते भी हैं कि काफी अच्छी ऑयल पेस्टल्स की उसकी ड्रॉइंग है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। और यार वाटर कलर की बात की जाए तो वाटर कलर से अभी तक मैंने खुद पोर्ट्रेट ड्रॉ नहीं किया है, मेरे माइंड में भी काफी टाइम से ये आइडिया चल रहा था कि वाटर कलर से एक पोर्ट्रेट ड्रॉ किया जाए, तो डेफिनेटली उसकी वीडियो भी जल्दी आने वाली है चैनल पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर प्रेस कर दो ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन का अपडेट मिल जाए। ऐसे अगर वाटर कलर की बात की जाए तो मेरे अकॉर्डिंग पहले आप अपना शेडिंग पर हाथ काफी अच्छा जमाओ, आपको शेडिंग काफी अच्छे से पोर्ट्रेट में करनी आनी चाहिए, उसके बाद ही वाटर कलर का आप यूज करना। नाउ वी टॉक अबाउट फोर क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, इन स्केचेस देयर इज डिफरेंट मेथड्स सच एज क्रॉस स्केचेस शेडिंग मेनी वेज दैट एनी आर्टिस्ट कैन अप्लाई हिज पोर्ट्रेट, बट माय क्वेश्चन इज दैट यू कैन सजेस्ट योर ओपिनियन दैट कैन यूज इन द पोर्ट्रेट। जो आपने क्रॉस स्केचेस की बात की वो क्रॉस स्केचेस वही होता है ग्रिड सिस्टम जो कि मैंने आपको बताया था जिसमें कि क्रॉस लाइंस आती है, उसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, आप जरूर देख लेना उसको। और बात रही मेरे सजेशन की कि मैं कौन सा मेथड यूज करती हूँ, तो वो वाली चीज मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताई दी थी कि मेरा वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कैसा स्केच ड्रॉ करना चाहती हूँ। अगर कमीशन वर्क है तो मैं ग्रिड सिस्टम यूज करती हूँ, अगर यूट्यूब के लिए वीडियोस बनानी है या फिर कोई और ऐसी घर के किसी मेंबर का स्केच बनाना है तो मैं अपना फ्री हैंड स्केचिंग यूज करती हूँ, सबका अपना अपना तरीका होता है। मेरे अकॉर्डिंग यार मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप जिस मेथड में परफेक्ट हो ना आप वो वाली चीज ट्राई किया करो, सबकी अपनी अपनी अलग अलग चॉइसेस होती है, सबकी अलग अलग प्रेफरेंसेस होती है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप जिसमें बेस्ट हो ना, जैसे मेरा ग्रिड सिस्टम कमीशन वर्क के लिए काफी बेस्ट है, पर ग्रिड सिस्टम में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है इसलिए मैं सिर्फ कमीशन वर्क में ही प्रेफर करती हूँ। फुल्ली अपलोड कर दी थी, काफी सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि मेरे 12th में कितने परसेंटेज आए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो उसकी वीडियो में मैंने डाल दी थी, अभी भी जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियो तो यहाँ पर आपको सजेशन मिल जाएगी, वो जाकर जरूर देख लेना। और अब बात रही जेई मार्क्स की, तो जेई के भी चलो बता ही देती, मैं सोचा था जेई के ऊपर वीडियो बनाएंगे पर मैंने कहा नहीं बनाते कोई नहीं, पर नहीं यहाँ लोगों को इंटरेस्ट है जानने में तो बता देते हैं। पहले बात मैंने बोला था हाउ वॉज योर जेई एग्जाम, तो उनकी बात की जाए तो वो ठीक ठाक गया था क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। जी हाँ ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट और लास्ट कह सकते हैं। तो मेरे इसमें आया तो रिजल्ट भी आ गया, सिक्सा फर्स्ट रिजल्ट भी आ गया था, तो मेरे आए हैं 71.108% और अब पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं, 71.108% और मेरे परसेंटाइल हाईएस्ट आए मैथ्स में, तो शाबाश बेटा बस इतने आए हैं। और यार मेरा इंजीनियरिंग में जाने का कोई इतना इंटरेस्ट था नहीं, तो बस मैंने जितनी पढ़ाई अपनी 12th में की थी उसी बेसिस पे मैंने अपना जेई एग्जाम भी दिया, अलग से कोई इसकी कोचिंग या प्रैक्टिस नहीं की थी, तो मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक 71 इज इनफ विदाउट कोचिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, जिसके सबसे ज्यादा मैसेज आते हैं मेरे पास टेलीग्राम पे, वो है कि आप कहां पर रहते हो, कहां से हो आप, मतलब ये मोस्ट ऑफ दी वन आस्किंग क्वेश्चंस है जो कि मेरे से अभी तक पूछा गया है। हर एक मैसेज में सबसे पहले हेलो के बाद यही आता है कि आप कहां पर रहते हो, तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं मैं रहती हूं यूपी उत्तर प्रदेश में, और बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में मैं कहां रहती हूं, तो उसकी हिंट मैं आपको दे देती हूं, मैं रहती हूं द सिटी ऑफ ताज में। अब बाकी का गैस आप खुद ही कर लीजिए, जब इतने बड़े बड़े स्केचेस गैस कर सकते हो तो द सिटी ऑफ ताज से एक डिस्ट्रिक्ट तो गैस कर ही सकते हो। तो बस यही क्वेश्चन है आप सब लोगों के, और अगर किसी का क्वेश्चन रह गया हो जो कि नहीं आ पाया, जितने क्वेश्चन उस कमेंट सेक्शन में आए थे उन सबका आंसर मैंने दे दिया इस वाली वीडियो में। अगर किसी का क्वेश्चन रह गया होगा या नहीं पूछ पाया हो तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में या फिर जो नेक्स्ट हम क्यू एन ए सेशन करेंगे उसमें कर लेंगे, और हो सकता है कि नेक्स्ट क्यू एन ए सेशन डायरेक्ट लाइव सेशन ही हो, तो देखते हैं अपने नेटवर्क इश्यूज के अकॉर्डिंग, उम्मीद है इस बार नेटवर्क इशू ना हो। और हाँ काफी सारे लोगों ने बर्थडे की विशेस एडवांस में दे दी थी, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली विशेस। तो बस खत्म, तो यही थी अपनी पहली क्यू एन ए वीडियो, तो यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं, और इस वीडियो का प्रीमियर सेट कर दे डेफिनेटली उसको लाइव देखना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, nice. तो लाइक कर देना, चैनल बनाए सब्सक्राइब कर देना, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।